भाटागांव स्थित बस टर्मिनल के कर्मचारियों और हॉकर्स को जारी किया जाएगा आईडी। बस ड्राइवर और हेल्पर को वर्दी पहनना अनिवार्य। बिना आईडी और वर्दी के दिखने पर बरती जाएगी सख्ती। पार्किंग व्यवस्था में भी नए नियम लागू। 10 मिनट की गाड़ी पार्किंग की दी गई छूट। 10 मिनट से ऊपर होने पर देना होगा निर्धारित शुल्क। लगातार मिल रही मारपीट की शिकायत की वजह से पुलिस प्रशासन ने बैठक कर लिया निर्णय। आईएसबीटी बस स्टैंड में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर निगम कमिश्नर के द्वारा एक कल बैठक ली गई है ट्रांसपोर्टरों की, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी ट्रेवल्स एजेंट है और उनके यहाँ जो भी काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको एक आईडी प्रदान की जाएगी और वो जो आईडी उपलब्ध रहेगा वही आईडी वाले ही वहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा जो अलग से हॉकर्स वगैरह रहते हैं वो घूमते रहते हैं, सवारियों को जबरदस्ती करते हैं अपनी गाड़ियों में बिठाने के लिए, तो ऐसे हॉकर्स को चिन्हांकित करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो बसें रोड में निकलने के बाद बस स्टैंड से निकलने के रोड में खड़ी रहती है ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है और ट्रांसपोर्टरों को भी बताया गया है कि कोई भी बस को बाहर खड़े न करें और निर्धारित वर्दी में रहें जो चालक है वो परिचालक है। और नगर निगम बस स्टैंड भाटागांव में एक रेट लिस्ट भी जो सवारियों की सुविधा के लिए लगाई जाएगी ताकि उनको जानकारी हो सकेगा कि कितना किराया कहाँ पर निर्धारित किया गया है। और जो पार्किंग की व्यवस्था है उसके लिए भी 10 मिनट का फ्री पार्किंग रखा गया है। यदि कोई सवारी अपनी गाड़ियों से दो पहिया चार पहिया या ऑटो से आता है तो 10 मिनट में यदि वो बाहर निकल जाता है तो कोई किसी प्रकार का चार्जेस नहीं लिया जाएगा।